बहुजन समाज के युवा लगातार पॉलिटिकल असर्शन कर रहे हैं, वो राजनीति में आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। आज पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का गठन हुआ है, मेरे साथ ऐसी एक युवा आंदोलनकारी हैं, अपना पूरा परिचय दीजिए और क्या पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जी, मैं कमलेश कुमार गौतम हूँ, मैं कुशीनगर से आया हूँ और मैं पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का प्रदेश महासचिव भी हूँ। यूपी का प्रदेश महासचिव हूँ। और ये जो हम लोगों ने पार्टी का गठन किया है, बहुजन समाज को लगातार बिखरते हुए देख करके, लगातार छोटे छोटे दलों में जो टूट के इधर उधर बिखर रहे हैं, इसको देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे और भी जो इंटेलेक्चुअल साथी हैं, उन लोगों ने सोचा कि इनको एक मंच पे लाया जाए और एक मंच पे ला करके इनको एकजुट किया जाए और उसके बाद हम बहुजन पॉलिटिक्स का एक नया आगाज करें। जिस तरह से माननीय कांशीराम साहब ने कभी बाबा साहब की बनाई हुई RPI को ज्वाइन किया था, काफ़ी संघर्ष किया, देखा नहीं सुधर पाएगा ये पार्टी, तो उन्होंने एक नई पार्टी का आगाज किया जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। तो आप लोग की पार्टी की लड़ाई किससे है, किन दलों से है? हमारी पार्टी की लड़ाई किन्हीं दलों से नहीं है, हम किसी पार्टी से नहीं लड़ेंगे, हम अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। जो हमारा एजेंडा क्या होगा? एजेंडा हमारा है सोशल अवेयरनेस है, पे बैक टू सोसाइटी है, पे बैक टू फैमिली है, ये सारे एजेंडा है हमारे उसमें घोषणा पत्र। आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? मैं MA हूँ सोशल साइंस से। तो क्या लग रहा है, पॉलिटिकल राजनीति को फुल टाइम करियर के तौर पे ले रहे हैं या सिर्फ सोशल वर्क के तौर पे ले रहे हैं? नहीं, मैं तो फुल टाइम इसको लिया हूँ राजनीति को। मैं शुरू से जब स्टूडेंट लाइफ में था तभी से मैंने पॉलिटिक्स को वो ले लिया था अपने लाइफ के लिए कि मैं करूँगा तो राजनीति ही करूँगा, मैं कोई नौकरी नहीं करूँगा, मैंने तो शुरू से ही कह दिया था, इसीलिए आज तक मैंने कोई नौकरी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। देखिए, ऐसे जो बहुजन युवा हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं और मैं फिर कह रहा हूँ, आपको पॉलिटिकल होना पड़ेगा, आपको राजनीति करनी पड़ेगी। आप अपने अपने घरों में बैठे रहेंगे तो आपका सारा हक अधिकार छीन लिया जाएगा। जितनी ज़्यादा पार्टियाँ होंगी, जितना ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस होगा, अगर इस देश का हर नागरिक, खासकर ST OBC माइनॉरिटी के लोग पॉलिटिकल हो गए तो इस देश की सूरत बदल जाएगी। और कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ? चूंकि बाबा साहब ने एक समय बोला था कि राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे सारे ताले खुले जाते हैं, और आज के परिवेश में देखिए कि जिस पार्टी ने सत्ता अपना पूरा देश पे काबिज हुआ है, लगातार सभी चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, रिजर्वेशन ख़त्म किया, नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं, सारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अभी UP सरकार का आपने फरमान सुना होगा कि सरकारी कर्मचारी 6 महीने तक कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, चाहे उनके ऊपर कितना भी एट्रोसिटी किया जाए, कितना भी अत्याचार किया जाए। तो इस तरह का एक तानाशाही लगा दिया गया है, तानाशाही सरकार हो गई है प्रदेश में भी और देश में भी। जेल में डाल देंगे तो कोई बात नहीं, जेल में जाएंगे तो उसे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जेल में जाना चाहता हूँ, जेल में जाएंगे वहाँ से भी हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। अगर हमें अपने समाज को जगाना है तो जेल में जाना ही पड़ेगा, इसके सिवा अगर कोई रास्ता नहीं है तो फिर जेल जाना जरूरी है, तो जाएंगे हम अपने समाज। लोगों से क्या अपील करेंगे जो लोग हैं? लोगों से मेरा यही अपील है कि वो सोशल अवेयरनेस करें, अपने समाज के लोगों में जाएं, अपने छोटे छोटे गांवों में जाएं, मोहल्लों में जाएं और लोगों को बताएं कि सरकार उनके साथ क्या छल कर रही है, किस तरह से उनको छल करके अपन उनका वोट ले लेती है, बाद में उनके साथ कितना बड़ा धोखा करती है। आप भले डरते हो व्यवस्था से, हुक्मरानों से, लेकिन मैं जैसे ही ऐसे लोगों से मिलता हूँ ना तो मेरा हौसला बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि भारत में बाबा साहब ने, आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है, डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत गहरी है और ख़ासकर ST OBC माइनॉरिटी के घर से ऐसे हज़ारों युवा निकल रहे हैं जो अपने समाज को पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं और वो सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। अब उनको जेल नहीं डराती है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।